हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ओनली यूपीएससी में मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता। वसीम बरेलवी की ये शेर है। मैं दूर हूँ आपसे, आप मुझसे दूर हैं, लेकिन हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आप हमसे सीख कर कुछ करेंगे। इन्हीं सुविचार के साथ आगे की क्लास हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना में हमने पढ़ लिया था कि लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब होता है, गणराज्य का क्या मतलब होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है, किस प्रकार के न्याय, तीन न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय हमारे प्रस्तावना में बताए गए हैं, उसकी भी चर्चा हमने कर ली थी। हमने चर्चा कर लिया था कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता का क्या मतलब होता है। बात करते हैं कि स्वतंत्रता, किस प्रकार की स्वतंत्रता हमारे भारतीय प्रस्तावना में बताई गई है, आइए देखते हैं। स्वतंत्रता, जिसको सामान्य बोलचाल में आजादी भी कह देते हैं, हमारे भारतीय संविधान में विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और उपासना, इतने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है या बताई गई है। इन सब के मतलब क्या होते हैं उसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। कुछ एक से संबंधित हैं, जैसे धर्म और उपासना लगभग एक जैसे हैं, विचार और अभिव्यक्ति लगभग एक जैसे हैं, तो इन चीज़ों को हम एक में करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहला हम जो बनाएंगे उसमें हम समझेंगे कि विश्वास और धर्म या उपासना, ये सब एक में जोड़ करके हम समझ लेते हैं कि स्वतंत्रता, हमारा भारतीय संविधान या प्रावधान, ये प्रावधान अपने आप में समाहित किए हुए है कि विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। यानी कि आप किस धर्म को मानते हैं, किस पंथ को मानते हैं, किस चीज में आपका विश्वास है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप अपने मर्जी के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने किसी भी देवता, अल्लाह, गॉड, किसी की भी पूजा करते हो, प्रेयर करते हो, इसके लिए आपको भारतीय संविधान में स्वतंत्रता दी गई है, जिसका एक छोटा सा परिचय प्रस्तावना में भी दिया गया है। दूसरी बात कर लेते हैं, अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? एक समाज है जिसका एक सरकार है। कई बार होता है कि जनता को अपने सरकारों से कुछ सवाल पूछना होता है, वो उनके किसी काम से खुश नहीं है, परेशान हैं, उनको कोई शिकायत है, इसके लिए वो चाहते हैं कि उनको एक ऐसा अधिकार मिले ताकि जब जरूरत हो तो अपने किसी नेता से, अपने सरकार से जा करके सवाल पूछ सकें। इसी अधिकार को, इसी स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। साथ ही विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और विचार लगभग में एक जैसे शब्द हैं, इन दोनों के बीच में पतले धागे के समान अंतर है। विचार क्या है कि हम किस किस विचार को फॉलो करते हैं, किस विचार को मानते हैं, किस गुरु के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करते हैं, हमारी मान्यताएं हमारे विचारों को बनाती हैं, तो इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसके लिए भी हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि यह स्वतंत्रता हमको दी जाएगी।
तो हो गया आपका विश्वास, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता। अब आगे शब्दों पर हम बढ़ते हैं। इसमें एक शब्द है बंधुत्व। बंधुत्व इससे कई बार क्वेश्चन मेंस की परीक्षाओं में आ जाते हैं, जहां पर उसको लिखने के लिए आपको बंधुत्व समझना बहुत जरूरी होता है कि बंधुत्व का मतलब क्या होता है। मुख्यतः ये जो बात ये है कि ये जो शब्द है ये फ्रांस की क्रांति से इसका जन्म हुआ था। बंधुत्व शब्द का जन्म फ्रांस की क्रांति से हुआ था। बंधुत्व इस तरीके से हमारे प्रस्तावना में इसका प्रयोग किया गया है कि हम जो भारत के लोग हैं सब मिल करके आपस में ऐसा प्रयास करेंगे कि हम सबके बीच में बंधुत्व बढ़े, यानी कि एक दूसरे को लेकर के आगे जाने की जो बात है वो हम सब में बढ़ाया जाए। किस प्रकार से बढ़ाया जाए उसकी कोशिश की जाए, इस बात की भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर बंधुत्व का मतलब यही है कि हम भारत के सभी लोग मिल करके किस प्रकार एक साथ जा करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ये था बंधुत्व। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लगभग लगभग जिन शब्दों का अर्थ समझना चाहिए उनको हमने समझ लिया है। एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूरा पढ़ करके आपको सुना देता हूं ताकि आप भी एक बार इसको याद कर लें, इस चीज को समझ लें। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों में विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता तथा अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित कराने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 संवत को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये पूरा का पूरा प्रस्तावना है जिसको 13 दिसंबर 1946 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की सभा में पेश किया था, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। अब आते हैं प्रस्तावना से संबंधित जो केस हैं, इनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला केस है बेरुबारी बनाम भारतीय संघ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या में बताया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान को दिशा निर्देश देती है, एक गाइडलाइन की तरीके से है, वो उसका अंग नहीं है। तो इससे घुमा करके कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बेरुबारी बनाम भारतीय संघ के केस में क्या वर्डिक्ट थी सुप्रीम कोर्ट की। ऐसे प्रश्न नहीं आपसे पूछे जाएंगे, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है
या नहीं है बेरुबारी केस में इस पर किस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, व्याख्या कीजिए, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो प्रस्तावना है या अंग नहीं है, भारतीय संविधान का अंग नहीं है। उन्होंने बताया कि ये मात्र एक गाइडलाइन है, इसमें बताया कि एक गाइडलाइन है। दूसरे केस पर आते हैं जिनसे कई बार प्रश्न आ चुका है। दूसरा केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस केस का बहुत महत्व है भारतीय संविधान में, कई बार इसका जिक्र होगा, आगे भी हम इसमें जब मूल अधिकार पढ़ रहे होंगे या बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां पर इनकी बात होगी। इसमें यहां पर समझने वाली बात इतनी सी है कि केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना भारतीय संविधान भारतीय संविधान का अंग है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान का अंग है प्रस्तावना। इससे जो नई चीज जन्म लेती है वो क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर भारतीय संविधान का अंग है, अगर भारतीय संविधान का अंग है तो इसमें बदलाव भी हो सकता है। तो ये समस्या यहां पर साल्व हो जाती है कि प्रस्तावना में भी बदलाव हो सकता है, और बदलाव हुआ भी। कब बदलाव हुआ? 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया गया, और इसमें तीन शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? पहला था आपका समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्षता, और तीसरा है अखंडता। अखंडता, तीन शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, जिसकी शक्ति संसद को मिली। यहां से जब इस केस में बता दिया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसका अंग है तो बदलाव तो संभव है, इसलिए उसमें बदलाव हुआ। लेकिन इसमें एक बात और समझने की है, खासकर उन विद्यार्थियों की जो IAS की परीक्षाओं को देने जा रहे हैं। यहां पर एक नया सिद्धांत आया, मूल ढांचा का सिद्धांत। मूल ढांचा का सिद्धांत, अब ये बहुत जटिल शब्द लग रहा है कि मूल ढांचा क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं। मूल ढांचा क्या होगा, इस बात की पूरी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर ले रखी है कि वो समय समय पर यह सुनिश्चित करेंगे कि मूल ढांचा क्या है। उन्होंने इस पर कोई व्याख्या नहीं दी, उन्होंने बस इतना कहा कि भारतीय संविधान में और उसके प्रस्तावना में आप बदलाव कर सकते हैं, यानी कि संसद बदलाव कर सकता है, लेकिन मूल ढांचे के खिलाफ कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन मूल ढांचा है क्या, इसकी व्याख्या सिर्फ और सिर्फ भारत का सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, जिसकी कोई लिखित व्याख्या अभी तक नहीं की गई है। वो समय समय पर यह बताते रहेंगे कि यह मूल ढांचा है या नहीं है।
तो यहाँ पर 1976 में एक बदलाव हुआ है जिससे कई बार स्टेट परीक्षाओं में और यूपीएससी में संघ लोक सेवाओं की परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। इस समय देश में इमरजेंसी का दौर था। इंदिरा गांधी बहुत सख्त नेता मानी जाती थी। उस वक्त एक नारा लगता था देश में कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। ऐसे दौर में जब भारत के सभी समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर ऐसे नेता जेल में थे, तब भारतीय संविधान में समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया। हालांकि ये राजनीति की बातें हैं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की परीक्षाओं में, आज के कंपटीशन के दौर में जो आपकी बैतरणी है वो ऐसे पार नहीं होगी। इसके लिए व्यवहारिक समझ बनाना बहुत जरूरी है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आप इसको याद रखेंगे कि बेलसावें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में एक बदलाव किया गया जिसमें तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये केस हैं जो दो बड़े केस थे। इससे पहले जो बेरुबारी केस हमने बताया, बेरुबारी केस का मामला जो था वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के विभाजन से पहले का है। उसमें एक जमीन का डिस्प्यूट था, उस जमीन के डिस्प्यूट में ही ये मामला आया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, वो बस एक गाइडलाइन है। लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस आया तो उसमें ये माना गया कि एक मूल ढांचे का सिद्धांत होगा, बाकी या संविधान का अंग है और इसमें बदलाव संभव है, हो सकता है। इस क्लास में आज हमने प्रस्तावना पूरा खत्म कर लिया है, समझ लिया है। अतः अब एक प्रश्न पर आते हैं, जैसा हमने आपसे वादा किया है कि हर क्लास के आखिरी में एक प्रश्न हम आपको देंगे जिसका उत्तर आपको लिखना होगा। तो प्रश्न नोट करने के लिए अपना पेन और कॉपी उठा लीजिए, हम प्रश्न लिख करके आपको दे रहे हैं, जिसका उत्तर आपको हमारे ईमेल एड्रेस onlyupscgroup@gmail.com पे भेजना है। और इसका एक उत्तर का जो ब्लूप्रिंट है वो शनिवार की क्लास में आपको मिल जाएगा। और आपके जो कापियां हमारे पास आएंगी, हमारे विशेषज्ञों के द्वारा जांच करने के बाद में उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, आपने कितना अच्छा लिखा है, विस्तृत तरीके से यहाँ पर बताया जाएगा। नाम सहित बताएंगे यहाँ पर कि फला फला ने क्या क्या लिखा है, इसमें किस प्रकार के सुधार की ज़रूरत है। तो प्रश्न आप नोट कर लीजिए। प्रश्न है, प्रस्तावना में संशोधन संभव है या नहीं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। इसका उत्तर आप 150 शब्दों में कोशिश कीजिए, 150 शब्दों में लिखने की। और ये कोशिश कीजिए कि आप 8 से 10 मिनट में इस उत्तर को लिख लें, क्योंकि संघ लोक सेवाओं की परीक्षाओं में और राज्य लोक सेवाओं की परीक्षाओं में मूलतः इतना ही समय आपको एक प्रश्न को फ्रेम करके लिखने के लिए मिलता है। तो प्रयास अभी से आप जारी कर दीजिए, ताकि जो हमारी ये मेहनत है खास खास के आपको पढ़ा रहा हूँ, इस समस्या को भी आप समझिए और आप भी मेहनत कीजिए। ये एक मार्गदर्शन है, यहाँ पर जो आपने पढ़ा इसको विस्तृत रूप से आप और पढ़िए। इसमें आपके अगर कोई सुझाव आते हैं उसको लिया जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन हमारे तरफ से पूरी कोशिश है कि आपका एक भी प्रश्न, चाहे वो कोई स्टेट परीक्षा हो या कोई केंद्रीय परीक्षा हो,
सारे परीक्षाओं में जितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं सबको ध्यान में रखते हुए हम चल रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख करके हमको भेजेंगे इस ईमेल एड्रेस पर onlyupsc@group@gmail.com पर। थैंक यू।